व्यूअर्स, मैं दीपा वर्मा भिक्षा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस की इस लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि बच्चों, हम अपने एग्जाम सीरीज में आगे बढ़ चुके हैं और अब क्या है, साइंस की बहुत जरूर से तैयारी कर ही रहे हैं, है ना। इसमें क्या, हम फिजिक्स से क्लासेस आ गए हैं और इसमें लेसन 10, लेसन 13 का अध्याय 10 और 13 क्या है हमने लगभग खत्म कर लिया है। इसमें से कुछ ही टॉपिक्स मैंने बोई थी, जब दोनों चैप्टर के कॉन्सेप्ट हो जाएगा तब बताऊंगी, है ना। तो उसी कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं, क्या करना है हमें, क्या करना है भैया, बस क्या है, छोटे छोटे दो तीन MCQs हैं और तार्किक प्रश्न है, उसको देखना है, ठीक है। तो अभी अध्याय 10 का पहला, हमने पहला पार्ट खत्म कर लिया था, परावर्तन अपवर्तन क्रांतिक को नांत्रिक को, आई होप आपने पूरी चीजें समझ ली है, तभी फिर दर्पण समझे हो, दर्पण लेंस पूरा समझ गए हो, है ना। अभी क्या है, फिर से मैं अध्याय 10 में जा रही हूँ, जिसमें क्या है आपको ये बता रही हूँ भैया कि कुछ पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं और दो तीन एक ही दोनों में मेडिकल, ठीक है। चलो आ जाते हैं भैया अपने चैप्टर पे। हमारा चैप्टर क्या है, प्रकाश परावर्तन अपवर्तन, ठीक है, समतल सतह से, ठीक है, ये हमारा क्या है दूसरा पार्ट है, ठीक। चलो आ जाओ भाई, क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं, प्रश्न आया क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं, तो क्या समझते हैं भाई, क्रांतिक कोण सघन माध्यम से आपतन कोण का वह मान है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 हो जाता है। जैसे देखो ये हमारा क्या था, ये विरल माध्यम हो गया, ये सघन, ठीक है। तो जब किरण सघन से विरल में जाती है तो क्या होती है, दूर हटती है, ठीक है। ये आपतन कोण हो गया, ये क्या हो गया हमारा परावर्तन कोण। तो ऐसे आपतन कोण के मान के लिए जब किरण जा रही है तो क्या होगा, अपवर्तन क्या हो जाए हमारा 90 अंश, उसी को क्या कहते हैं हम क्रांतिक कोण, ठीक है बच्चों। तो आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना होगा, सघन विरल, और ये बताना होगा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है तो उस आपतन कोण के मान के लिए जिसके लिए परावर्तन अपवर्तन को 90 अंश हो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, और ये डायग्राम बना देना है, ठीक। चलो आगे आ जाओ, पूर्णांतिक परावर्तन क्या था भाई, जब प्रकाश की किरण क्या है अभी क्या थी, यहाँ से जा रही थी, है ना, दूर हटी, फिर क्या हुआ, एक ऐसा मान आया जिसमें ये 90 हो गई, फिर जब आगे बढ़ेगी तो क्या होगा भाई, और ज्यादा हुआ तो ये अंदर ही हो जाएगी, इसी को क्या कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब प्रकाश की किरण का मान, जो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो क्या होता है, वो किरण दूसरे माध्यम में ना जाकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे और उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, तो उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, सॉरी ये डबल हो गया है, तो उसी माध्यम में आंतरिक कोण से परावर्तित हो जाती है, उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। यही क्या भैया, ये जा रहा है यहाँ से ये क्रांतिक कोण, लेकिन अब क्या हो गया, इसका मान ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, वापस आ जाएगी, इसी को क्या कहते हैं हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसके लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो नियम, कौन कौन से नियम होने चाहिए भाई, या दो शर्तें कौन सी है, शर्तें बताओ भाई। तो पहला है क्या, किरण हमेशा सघन से विरल में जानी चाहिए, क्या बोलोगे, प्रकाश की पहला शर्त है प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाए, ठीक है। दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, ये आपकी क्या है, दो शर्तें होंगी, ठीक। चलो आगे आ जाते हैं, अपवर्तन की घटना के दैनिक जीवन में कोई उदाहरण दीजिए। तो पहले अपवर्तन क्या था भाई, ये क्या था हमारा परावर्तन, आना और टकरा के वापस चले जाना, ठीक। अपवर्तन क्या था, कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आना, या ये क्या, विरल से सघन आई, या सघन से विरल जाना, ठीक है। जब विरल से सघन आती है तो क्या होती है, वो अभिलंब की ओर झुकती है, जब सघन से विरल जाती है तो क्या होती है, वो अभिलंब से दूर हटती है, ठीक है। यही था अपवर्तन, तो अपवर्तन के नियम देख लेते, ठीक है। चलो वो देखते, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, क्यों भाई ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, छोटे छोटे तारे क्यों टमटमाते हैं, तारे टमटमाते क्यों हैं, टिमटिमाते क्यों हैं, ठीक है। तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। कैसे भाई, देख लो ये हमारी एटमोसफियर होता है, है ना, ये अलग अलग लेयर से बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक, अब ये कहीं पे तारे होंगे,
तो देखो प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी, हो सकता है ये सब विरल हो, ये सघन हो, फिर ये विरल हो जाएगी, यहाँ से ऐसे आ रही है, ठीक पास आ गई, यहाँ दूर हटी, फिर पास आ गई। तो क्या होती है, अलग अलग माध्यम से लेयर से होते आती है, क्या अलग अलग सतह से होकर आती है, इसीलिए क्या होता है उसके मान विचलित, मार्ग क्या विचलित होता रहता है। तो मार्ग के विचलन के कारण क्या है, तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक पढ़ो, तारों की दूरी पृथ्वी से अत्यधिक है, तारों से चलने वाला प्रकाश वायुमंडल के विभिन्न परतों से होकर आता है, विभिन्न घनत्व की ये परतें प्रकाश को विचलन कभी कभी कम और कभी अधिक कर देती है, जिससे तारे की स्थिति बदलती हुई प्रतीत होती है, इस कारण क्या है तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, आपको ऐसा डायग्राम बना देना है। कैसे डायग्राम बनाना भाई मैडम, यहाँ से ऐसे आएगी, हो सकता है ऐसे आ गई, फिर ऐसे आ गई, तो क्या वो तारों का विचलन हो रहा है। ये परत है अलग अलग वायुमंडल, तो ये क्या हमारे तक आते, इसलिए क्या है मार्ग विचलन के कारण क्या होता है तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, आपको इतना आंसर लिखना होगा। ठीक, पहला उदाहरण क्या हो गया, तारों का टिमटिमाना। अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं भाई, पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ को टेढ़ी दिखाई देना। जैसे देखो छड़ ऐसी है लेकिन वो क्या है यहाँ पे दिखाई देती है। अब यहाँ पे क्यों दिखाई देती है भाई, देखो ये हमारा क्या पानी का टब कुछ भी ले लो, ठीक है, अब वो कोई सिक्का है, चलो सिक्के से देखते, वो यहाँ पर है ना, और हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है पानी से भरा हुआ है। अब क्या है हमारा वस्तु यहाँ है, तो रेखा पर जो हमारी किरण होगी वो यहाँ से यहाँ जाएगी, ठीक है, तो देख लो ये क्या यहाँ से जा रही है, ठीक, अब यहाँ पे 90 डिग्री ले लो, तो ये क्या है सघन से विरल जा रही है, ये क्या है पानी, ये क्या है वायु, तो ये क्या है सघन से विरल गई। तो सघन से विरल जाने पे क्या होता है भाई, ऐसे जा रही है 90 डिग्री, क्या होगा ये दूर हटेगी, ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ पे अगर आप 90 डिग्री खींचोगे तो क्या होगा, ये सीधा नहीं जाएगी, क्या हो जाएगा भाई, ये दूर हटेगी, ठीक दूर हटी, तो आप जब इस बिंदु को सीधा मिलाओगे, सीधा ले जाओगे, तो क्या होगा ये यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, जब ये परावर्तन अपवर्तन जो किरण है उसको आप जब आगे बढ़ा के सीधा दिखाओगे तो प्रतिबिंब क्या है इसलिए हमें ऊपर दिखाई देती है, इसलिए क्या है पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ हमेशा टेढ़ी दिखाई देती है। ठीक, फिर से समझो इसको, देखो ये क्या है हमारा कोई भी विकर्ण, यहाँ पे छड़ ऐसी रखी है, ठीक है, हम इसको यहाँ से देख रहे हैं, अब क्या है ये किरण यहां से निकल के यहां जाएगी, इट मीन्स क्या है सघन से निकल रही है, यहाँ पे आप 90 डिग्री बना, ठीक है, सघन से निकल रही है सीधा जाएगी क्या, नहीं, क्या होगा अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, अब इसको आप अगर ऐसे मिलाओगे आगे तो ये क्या सीधी रेखा यहाँ पे मिलती, इसलिए क्या है जो कोई भी चीजें अंदर नीचे पानी के अंदर रहती वो हमें क्या है तिरछी या ऊपर दिखाई देती है। ठीक, चलो, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि किरण क्या है प्रकाश की किरण वो सघन से विरल में प्रवेश करती है, तो क्या होती है अपना मार्ग बदलती है। ठीक, चलो आगे देख लो, तालाब में स्थित मछली वह स्थित नहीं होती जहां वो दिखाई देती है, इसका कारण बताओ भाई, सेम है ना, तो आप अगर सिक्के को देख लो या मछली को देख लो, ये क्या है हमारा, यहाँ पे आंख बना लो भाई, ठीक, यहाँ पे समझ लो मछली बनी रखी है, ठीक, ये आपका मछली। ठीक, अब देखो इससे क्या है रे निकले किरण निकलेगी ऐसे, ठीक, आप इस पर 90 डिग्री डालो तो ये क्या होगा अभिलंब से दूर हटेगी, तो क्या होगा ये ऐसे जाएगी। ठीक, तो आप जब इस रेखा को आगे बढ़ाओगे, ठीक है, तो क्या होगा ये देखो
तो वो यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है, आपकी आंखों से वो यहाँ पे नहीं दिखाई देगी, यहाँ पे दिखाई देगी। तो इनके बीच का ही डिफरेंस क्या होता है, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई। ये क्या हो गई इसकी वास्तविक गहराई यहाँ तक, और ये क्या हो गई इसकी आभासी गहराई, ठीक। इसलिए क्या है, जो हमारी जो मछली है वो क्या है, ऊपर दिखाई देती है। तो इसका रीजन क्या हुआ भाई, अपवर्तन, क्योंकि जो किरण है वो क्या है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, इसलिए क्या है प्रकाश का विचलन होता है। प्रकाश के विचलन होने के कारण क्या है, हमें मार्ग थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देता है, और उसी मार्ग को जब आगे बढ़ाते हैं तो क्या है उसकी ओरिजिनल स्थिति और जो इमेजिनरी स्थिति है वो अंतर दिखाई देती है, ठीक। आगे कुछ, एक मछली तालाब की सतह पर 75 सेंटीमीटर की गहराई पर प्रतीत है, प्रतीत होती है, मतलब क्या है ये इसकी आभासी है, ठीक है। सतह से उसकी वास्तविक गहराई बताइए, पानी का अपवर्तनांक 4/3 है, ठीक है। तो बच्चों ये देखो, पहले अपवर्तनांक हमने क्या पढ़ा था, ठीक। तो यहां पे आ जाओ, कितना दिया है भाई आभास, दिया है आभासी गहराई, और अपवर्तनांक कितना दिया है, पानी का अपवर्तनांक 4/3। याद क्या करना है, वास्तविक गहराई, ठीक। हम जानते हैं कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, ठीक। तो अपवर्तनांक क्या दिया है हमें, 4/3, क्या दिया है 4/3, वास्तविक गहराई को x मानो, और क्या दिया है हमें भाई, आभासी गहराई 75, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 × 4/3, 3 × 1 = 3, 3 × 25 = 75, सो x इज इक्वल टू क्या निकला, 100 सेंटीमीटर। तो वास्तविक गहराई क्या हुई भाई मछली की, 100 सेंटीमीटर। तो उसकी सतह चांदी के समान चमकदार क्यों दिखाई देती है। चलो भाई एक पहले ये हम बना लेते हैं, बीकर किससे भरा है, पानी से भरा है, ठीक। अब इसमें क्या है, एक खाली हमने क्या डाला, परख नहीं डाला, ठीक है। अब इसको क्या है, हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो जो किरण है वो क्या है, पहले पानी के अंदर से जाएगी, अब ये क्या है सघन है, सघन से क्या जाएगी विरल, दूर हटेगी। तो इसमें क्या होता है, कई बार इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो क्या है, प्रकाश का सघन से विरल जाना और वहां पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाना, इस कारण से क्या है, जो हमें चांदी की जो हमारे बीकर में तिरछी छड़ होती है वो क्या दिखाई देती है, हमें चमकदार दिखाती है, ठीक है। तो आपको आंसर क्या लिखना है भाई, चूंकि परख नली खाली होती है उसके अंदर वायु भरा है, वायु भरे होने के कारण जो प्रकाश किरण है पानी से कांचे प्रवेश करती है, जिसके कारण वो सघन से विरल में जाती है, इस कारण अपने मार्ग में विचलित होती है, और कुछ कोणों में क्या होता है, ये आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, जिसके कारण क्या है, जो प्रकाश किरण है उसका ही क्या होता है, अंदर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, इस वजह से जो कांच की छड़ है वो हमें चमकीली दिखाई देती है। इतना आंसर लिख के क्या है, आपको ये डायग्राम बना देना, ठीक।
ठीक, तो ये आपका आंसर क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों ये क्या है, पूरा आपका परावर्तन अपवर्तन खत्म हो गया। अब क्या है, गोली सतह से, ये समतल सतह से जो भी क्वेश्चंस थे वो हो गए। अब गोली सतह से क्या है, बस कुछ 2 से 3 एमसीक्यू बचे हैं, उसके बाद ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या है, हम अपने अगले अध्याय विद्युत में चलेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को पूरा अच्छे से करना है, न्यूमेरिकल भी अच्छे से करना है, दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, परावर्तन अपवर्तन बहुत ईजी है, एक एक करके बनाओ। और जब तक खुद प्रैक्टिस करोगे तब तक नहीं समझ आएगा, खुद प्रैक्टिस करोगे 2 बार, एक उसके बाद तीसरे बार में आप खुद दूसरों को समझाने निकल जाओगे। ठीक है, तो एग्जाम तक इस तरीके से प्रिपरेशन करके रखो, कुछ भी डाउट है तो उसको तुरंत क्लियर करते चलो, कुछ भी होता है तो कमेंट में मैसेज करके बात करो। ठीक है, तो अपने एग्जाम की प्रैक्टिस करते रहो और रिटर्न प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करते रहो। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हम मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में।